रात के 3:30 बज रहे हैं और मेरे दिन की शुरुआत हो गई है। आई एम राइट नाउ इन माई बिल्डिंग। पहले जाके बाइक पर मैंने मेरे सैडल बैग लगाया, फिर टैंक बैग लगाया। अभी घर जा रहा हूँ जैकेट लेने के लिए, जैकेट और मेरा शूज़ लेने के लिए, अदरवाइज आई एम ऑल सेट। उसके बाद बस निकलना है। हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते जी, कैसे हो, क्या चल रहा है? फाइनली इट इज़ टाइम आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। आई विल बी राइडिंग माई बाइक एंड आई एम लीविंग फॉर गोवा। या चलो चलते हैं। सो आई एम ऑल सेट टू लीव। मैं ज़्यादा जोर से बात नहीं कर सकता, माई डैड इज स्टिल स्लीपिंग। ऑब्वियसली मैं उनको उठाने वाला हूँ जस्ट टू से बाय। सो इट्स ऑलमोस्ट 3:45 राइट नाउ एंड आई एम लीविंग। जूता पहन लिया है, माई कीज, एंड मैं एक्चुअली बराबर से सो नहीं पाया क्योंकि मैंने ये पी रखा था। सो यानी मेरे को आदत है वैसे भी 24 घंटा जागने की। सो एनीवेज लेट्स गो राइट नाउ एंड आई विल जस्ट से बाय टू माय मॉम एंड डैड एंड लेट्स गो। चीयर्स। ओके बाय बाय। ആദ്യം ദേഷ്യം മാർക്കറ്റ് പെടാതെ കോമ്പറ്റീഷനും പണ്ണാതെ। ഓ ബൈ। मैं जब जब घर से बाहर जाता मेरी मम्मी रोती है। ओके बाय। आई जस्ट टुक अ ब्रेक। कलंबोली में हूँ, कलंबोली से थोड़ा आगे। कलंबोली मैकडॉनल्ड्स बहुत फेमस है, उसे थोड़ा आगे हूँ। यहाँ से जाना है मुझे, सो 5-10 मिनट रुक के जाता हूँ। आई एम राइट नाउ समवेयर बिफोर पुणे आई गेस, और इन पुणे पता नहीं, नेविगेशन काम नहीं कर रहा है और आई हैव नो क्लू कि मैं एग्जैक्टली किधर हूँ। 8:00 इन द मॉर्निंग एंड आई हैव स्टॉप्ड फॉर अ कॉफी ब्रेक। ये होटल में कोई भी नहीं है इसे। There's no one. 3 hours later. So it's a long story. As of now, I am in Lonavala. Almost Pune tak pahunch gaya tha. Just a little before Pune. That is where I had my breakfast, like you saw. Yeah, I had to come back. Not because of any other reason. Accident wagera kuch hua nahi hai. There's nothing to worry like that. It is just my back pain that is kicking in again and again. जब मैं पुणे में था, ऑलमोस्ट वेर आई वॉज इन पुणे, आई डिसाइडेड टू गो बैक होम। सो इट वॉज काइंड ऑफ लाइक अ देजा वू फॉर मी। लास्ट ईयर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लास्ट ईयर भी मेरे बाइक को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो गया था एंड आई हैड टू गो बैक होम। फिर मैं फ्लाइट से गया था। दिस ईयर ऑल्सो इट वॉज द सेम। सो इट इज़ लाइक 2 years इन अ रो फॉर मी एंड इट इज़ वेरी अपसेटिंग। 1 घंटे पहले तक, अभी इट्स 3:00 इन द आफ्टरनून, 1 घंटे पहले तक बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मुझे। And so anyways, I came to Lonavala, this amazing hotel where I stayed like twice in 2019, Chandralok Hotel in Lonavala. मैं यहाँ पे आया, I spoke to them over the phone. I just told them the situation that my back is hurting. मेरा बैक इतना पेन हो रहा था कि मुझे चक्कर आने लग गए थे। मैं एक्चुअली ये सोच रहा था कि बाइक यहाँ पे रखे कैसे गोवा जाऊँ, बिकॉज राइडर महीने के लिए जाना तो ज़रूरी है क्योंकि मुझे जाना है कुछ भी करके। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई ट्राइड माई बेस्ट। मैं चाहता था कि मैं बाइक से जाऊँ। मैं 10-15 बार बीच में ब्रेक लिया थिंकिंग कि शायद मेरा बैक पेन थोड़ा कम होगा, बट नहीं हुआ। सो आई केम हियर टू चंद्रलोक होटल। मैंने यहाँ पे मेरी बाइक खड़ी की। अभी बाइक पे मैं मेरा फ़ोन रख के ब्लॉक कर रहा हूँ। मेरा सैडल बैग अंदर है। आई हैव केप्ट माई हेलमेट, माई टॉप बॉक्स, माई जैकेट एंड ग्लव्स एंड एवरीथिंग, जो ज़रूरी नहीं है अभी फिलहाल मेरे लिए बिकॉज आई एम नॉट राइडिंग। वो सब मैंने यहाँ रखा है। दे हैव अ क्लोक रूम, वहाँ पे मैंने मेरा सारा सामान रखा हुआ है। बाइक भी मैं यही पार्क करके जा रहा हूँ एंड इट्स 3:00 राइट नाउ। 4:00 का एक बस है, ट्रेन था, लेकिन ट्रेन मतलब जब तक मैं यहाँ आया तब तक गोवा के लिए ट्रेन निकल चुका था।
सो आई डिसाइडेड कि आई टेक अ बस. यहाँ पे एक टूर्स एंड ट्रैवल्स है, वहाँ जाके मैंने बात किया. 4 बजे का एक एसी बस मिला, स्लीपर बस, एंड आई विल रीच गोवा टू नाइट. आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम, बीच में ऑब्वियसली रुकेंगे ब्रेक वगैरह लेने के लिए. तो दैट्स द अपडेट फॉर नाउ. रियली सॉरी टू ऑल ऑफ यू गाइज, अगर आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि मोटो व्लॉग आएगा फाइनली लाइक आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. मेरा भी एक्सपेक्टेशन अपने आप से वही था, बट मैं क्या करूँ. ऑल आई हैव टू से इज दैट आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट दैट दिस डजंट हैपन अगेन. बस थोड़ी देर में मेरा सामान लेके आई विल बी लीविंग फॉर द बस स्टैंड. ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं. बस स्टैंड यही से तरह 5-10 मिनट की दूरी पर ही है, सो वॉकिंग डिस्टेंस है वैसे तो, बट मैं नहीं इतना सामान लेके जा पाऊँगा. आई टेक अ रिक्शा एंड आई विल गो. चलते हैं. यहाँ रखा है मैंने मेरा बाइक, हैंडल लॉक नहीं किया है ऑब्वियसली, इनको अगर मूव करना पड़ा इधर से उधर कुछ करना पड़ा तो. हैंडल लॉक नहीं है, ओपन है. चंद्रलोक होटल. नीता होटल. हाथ मुँह धोने का था, आई गेस कुछ 10-15 मिनट में बस आ जाना चाहिए. बैग्स वगैरह मैंने वही रखे हैं. बस आएगा, बस में बैठेंगे. Enough to go. 2 hours later. Finally the bus is here. And अभी यहाँ से गोवा जाएगा. I'll show you the inside, it's cool. Okay, so the bus is good. I just can't wait to reach Goa. So from here it's another 11-12 hours maybe. I don't know. Kitna time lagega pata nahi. Abhi bas so jaunga and directly in Goa. Mera peet. Shaam ho gayi, waise bhi kuch dikhega nahi bahar. We have stopped for dinner in this hotel and it's a 20 minutes break. मैं सो गया था पूरा पूरा, मुझे कुछ अंदाज़ा ही नहीं है कहाँ पहुँचे, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं, लेकिन 5-5.5 घंटे का रास्ता है. दैट्स ऑल आई नो. अभी डिनर के लिए रुके, यहाँ बैठ के खाऊँगा तो वक्त लग जाएगा. बहुत मैंने पार्सल ले लिया, आई विल सिट इन द बस एनी, क्योंकि ये भाई साहब जल्दी निकल जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. As of now, I am here to meet someone. जो client का meeting बोल के बहुत लटकाया मेरे को. She's telling me at the end की साला मैं late आया. I am here to meet. Yeah, so I am right now in Royal Enfield Garage Cafe. थोड़ा coffee पीऊँगा. I'll have to ride, तो इसलिए no boozing. Vlog मैं room में जाके end करूँगा यहाँ पे नहीं, because tomorrow is the Ride Mania event. For the next 3 days, it's going to be Ride Mania event. And I'll need to talk to you guys about it. I'm sorry about the background noise, by the way. So yeah, room में जाके बाकी की बातें करते हैं. अभी के लिए फिलहाल Royal Enfield Garage Cafe का लुफ्त उठाइए. Power cut.
I went to Royal Enfield Garage Cafe first. I met a few friends there, jinko pichle saal dekha tha, pehchana, kafi baatein hui. And I met Ruchi, I met another friend of mine over there. सारे बैठ के बस बातें कर रहे थे तो इसलिए वो टाइम पे ब्लॉक किया नहीं ज्यादा. लेटर आई वेंट फॉर डिनर. ब्रीटोज काफी फेमस नाम है, ब्रीटोज एंड बागा. डिनर के लिए गए थे. वहाँ पे भी आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड. ही इज फ्रॉम मुंबई. वो अपने फैमिली के साथ था, वाइफ एंड हिज किड. तो इसके लिए मे बी ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल टू बी ऑन कैमरा. तो मैंने भी वो टाइम पे ब्लॉग नहीं किया. आई जस्ट हैड माई डिनर. बाकी का रात का बंदोबस्त. ये होटल में आज कम से कम 15 बार पावर कट हुआ है. सेकेंडली रूम सर्विस रात के 12 बजे का नहीं है, तो इसके लिए मैंने होटल से खाना ले लिया. एंड नाउ आई एम बैक इन माय रूम. हैव अ लॉन्ग डे टुमारो. आई हैव अ लॉन्ग नाइट टुनाइट. गलत मत समझना, ब्लॉग एडिट करना है, अपलोड पे डालना है. वाईफाई थोड़ा सा कमज़ोर है, वो बोलने की कोशिश कर. तो या आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यू नो वॉट टू डू, लाइक करना. इफ यू वांट टू से एनीथिंग प्लीज डू दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अगर आपको वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिए. एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं. आज कल और आई थिंक और 4 दिन के लिए रेगुलरली ब्लॉग्स आने वाले हैं, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. दैट इज़ इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग टुमारो.